Assalamu alaikum. I hope you all are doing great. This is me, Abu Zaidi. In this video, we are going to see how we can find out the keyword of our competitor, right? जो हमारे competitor अपनी listing और PPC के अंदर, for example, keywords का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो listing के अंदर especially अपने keywords का इस्तेमाल कर रहे हैं और उसके ऊपर rank है, so उन keywords को हम किस तरह find out कर सकते हैं और फिर हम उसको अपने अपनी लिस्टिंग के अंदर और पीपीसी के अंदर किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं. हम इसके वीडियो के अंदर जो है हीलियम 10 का सेरिब्रो टूल को इस्तेमाल कर रहे होंगे, जिसके थ्रू हम अपने कंपेटिटर्स के कीवर्ड को फाइंड आउट कर रहे होंगे और फिर देन हम उसको अपनी लिस्टिंग के अंदर और देन पीपीसी के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं. ये सारा प्रोसेस आज की वीडियो में कवर कर रहे होंगे. अच्छा, आपको अपने कंपेटिटर्स के कीवर्ड्स को फाइंड आउट करने के लिए हीलियम 10 का टूल होना जरूरी है, राइट? उसके बगैर आप कीवर्ड्स नहीं फाइंड आउट कर सकते. तो अगर आप हीलियम 10 को परचेज करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक मिल जाएगा. अप टू 30% तक का ऑफ अवेलेबल है, सो आप वहां से भी जाके परचेज कर सकते हैं. स्क्रीन की तरफ चलते हैं. एंड Amazon गिव मी अ रिजल्ट अगेंस्ट दिस कीवर्ड अ नाइट स्टैंड, राइट? सो अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ से अपने जो जिन भी कंपेटिटर्स के फॉर एग्जांपल हम कीवर्ड्स को चेक करना चाहते हैं, सो व्हाट वी विल हैव टू डू, वी विल हैव टू जस्ट रन द एक्सरे हीलियम 10 एक्सटेंशन, राइट? अच्छा, ये पेड टूल है, ये इसके आपके पास जो है वो होना चाहिए अगर अभी आप किसी भी कंपेटिटर्स के कीवर्ड्स को फाइंड आउट करना चाहते हैं. अगर आप हीलियम 10 को परचेज करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक मिल जाएगा, जिसमें आपको प्लेटिनियम प्लान के ऊपर 4 मंथ के लिए परचेज करते हैं तो आपको 35% तक ऑफ मिल जाएगा. और अगर आप कुछ बाकी के प्लान स्टार्टर प्लान परचेज करना चाहते हैं तो उसके ऊपर भी आपको डिस्काउंट अवेलेबल है 20% 25% तक, तो आप इसे भी चेक कर सकते हैं. अच्छा, हम क्या करेंगे, एक्सरे रन कर देंगे. देन ये क्या करेगा, ये आपको इस कीवर्ड की क्यूरी के अगेंस्ट जो है वो जो सर्च रिजल्ट आए हैं उनका डेटा यहाँ पे शो करवा देगा, सारा सर्च वॉल्यूम रेवेन्यू या टोटल सारी चीज़ें बता देगा. अभी हमने क्या करना है, हमें वो यहाँ से कंपेटिटर सेलेक्ट करने हैं जिनके हम कीवर्ड्स को देखना चाहते हैं. तो फॉर एग्जांपल अभी हम एक क्विक कुछ कंपेटिटर को सेलेक्ट करते हैं. यहाँ से आप जो है वो अपने कंपेटिटर्स सेलेक्ट कर सकते हैं, राइट? अच्छा, आपने मेक श्योर करना है कि स्पॉन्सर प्रोडक्ट्स जो आपके एड्स चल रहे हैं, एड्स वाले जो प्रोडक्ट आ रहे हैं आप उनको यहाँ से रिमूव कर दें, राइट? उसको रिमूव करने के लिए आपको फ़िल्टर में आना है. फ़िल्टर में आने के बाद हाइड स्पॉन्सर प्रोडक्ट फ्रॉम रिजल्ट एंड अप्लाई फ़िल्टर, राइट? सो ये यहाँ से सारे लिस्ट से रिमूव हो जाएंगे. एसी का मतलब जो होता है अमेजोन चॉइस, राइट? ये सेलेक्ट कर सकते हैं आप. आपने रेलिवेंट सारे कंपेटिटर सेलेक्ट करने, मैं रैंडम सेलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है? फिर जस्ट टू शो यू कि आप कैसे कीवर्ड्स को फाइंड आउट कर सकते हैं अपने कंपेटिटर्स के. अच्छा, BS का मतलब बेस्ट सेलर, राइट? सो हम यहाँ पे अप टू 10 कंपेटिटर्स के SN जो है वो सेलेक्ट कर रहे हैं और हम इसे क्या करेंगे, रन सेरिब्रो. यहाँ पर आपको एक्सटेंशन यहाँ पे भी ऑप्शन मिल जाता है. अगर नहीं, अगर आपके पास हीलियम 10 है, ठीक है, और सब टूल में इसके आप आएंगे, ठीक है, सब टूल में आने के बाद क्या करेंगे, कीवर्ड रिसर्च वाले टूल में सेरिब्रो यहाँ पे भी आपको मिलता है, ठीक है? आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है, ये आपको सेरिब्रो के ऊपर मेन फेज पर ले जाएगा, इंटरफेस पर. आप SN को यहाँ पर भी इंटर कर सकते हैं कॉपी करके, राइट? अब ये क्या, हमें ये भी ऑटोमेटिकली सेरिब्रो वाले पेज पे लेकर आ रहा है और यहाँ से भी हमने सेरिब्रो को ओपन कर लिया. अब आप यहाँ पे देखें, जो हमने SN सेलेक्ट किए थे वो यहाँ पे ये उसका जो डेटा है वो फैच हो रहा है, ठीक है? जैसे ही फैच हो जाएगा तो उसके सारे कीवर्ड्स यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है? अभी हम इसको क्विकली देख लेते हैं. यहाँ पे इसने डेटा फैच कर लिया है. अभी आपको यहाँ पे सारे कीवर्ड दे देगा जो इन 10 कंपेटिटर्स जो है अपनी कीवर्ड के अंदर अपनी लिस्टिंग के अंदर यूज़ कर रहे हैं, राइट? सो आप, ये बहुत ज़्यादा कीवर्ड होते हैं. यू कैन सी हियर ऑलमोस्ट यू हैव 19,409 कीवर्ड्स हियर एंड आपको इसको रिफाइन करना होता है, राइट? सो रिफाइन करने के लिए हम किन चीज़ों को बेसिस के ऊपर देख रहे होते हैं, हमारे पास ऊपर भी फ़िल्टर्स मौजूद होते हैं. सो जो हमारे इंपॉर्टेंट फ़िल्टर होते हैं हम उन्हें देख लेते हैं. हम कहते हैं कि मिनिमम जो सर्च वॉल्यूम हो कीवर्ड का वो 500 हो, ठीक है? हम कम सर्च वॉल्यूम वाले कीवर्ड्स अभी नहीं देखना चाह रहे, ठीक है? उसके बाद हम कह रहे हैं कि जो पोजीशन रैंक हो, ठीक है, इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब ये होता है कि जो कीवर्ड हमें दिखाएं उस पर हमारे जो कंपेटिटर हैं वो फेज़ 1 के ऊपर जो है वो रैंक होने चाहिए. फॉर एग्जांपल हम कहते हैं इसे 1 से लेके 49 तक जो है वो रिज़ल्ट ऑलमोस्ट शो हो रहे होते हैं फर्स्ट पेज के ऊपर. सो हमने मैक्सिमम में 49 और मिनिमम में 1 ऐड कर दिया,
देन आपके पास और भी आ जाते हैं अगर आप अपने कीवर्ड की फ्रेजेस को रिफाइन करना चाहते हैं। तो यहाँ पे देखें फ्रेजेस कंटेनिंग, इसमें आप वो कीवर्ड अपना सीड कीवर्ड डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि नाइट स्टैंड है, तो अगर आप चाहते हैं कि हर वो फ्रेज़ मुझे दिखाओ जिसमें नाइट आ रहा हो या स्टैंड आ रहा हो, तो वो भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो इससे आपको और ज़्यादा रिफाइन होकर कीवर्ड मिल जाते हैं, राइट। सो अभी हम क्या करते हैं, हम सिंपल अप्लाई फ़िल्टर के ऊपर देखते हैं करते हैं और फिर देखते हैं हमारे पास कितने रिजल्ट जो हैं वो आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा जो है वो कम हो जाएंगे। यू कैन सी हियर फ्रॉम 19,000 टू 295 कीवर्ड, राइट। अभी भी स्टिल थोड़े ज़्यादा कीवर्ड हैं, तो हम इसको और जो है वो रिफाइन कर सकते हैं अपनी रेलिवेंसी के बेस पे। अभी मैं नेक्स्ट स्टेप में आपको लेके चलता हूँ। यहाँ तक कि आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी कि कंपेटिटर्स के जो कीवर्ड हैं अमेजोन लिस्टिंग के, वो हम किस तरह निकालते हैं। हम अपने टूल सेरिब्रो को, हीलियम 10 का जो टूल है सेरिब्रो, से इस्तेमाल कर रहे होते हैं। और अब हम इसको क्या करेंगे, सिंपल एक्सपोर्ट डेटा के ऊपर क्लिक करेंगे और CSV फाइल में डाउनलोड कर लेंगे, राइट। देन यहाँ पर आपको ये डाउनलोड होकर आ जाएगी। अब आप इसे ओपन कर लें, राइट। लेट मी ओपन इट। एक्सेल की फाइल जो है वो ओपन हो गई है एंड देर आर अ मैनी कॉलम इररेलेवेंट हेयर, जिनका अभी आपको ज़रूरत नहीं है, आपको काम नहीं है। सो वॉट वी आर गोइंग टू डू हेयर, वी आर गोइंग टू डिलीट दैट कॉलम फ्राम द लिस्ट। सो नाउ फर्स्ट यू हैव अ कीवर्ड फ्रेज कॉलम जो आपने रखना है, राइट। इट्स इम्पॉर्टेंट हेयर एंड देन हम सदर अदर कॉलम आर हेयर एज वेल, जो कि आपको कीवर्ड सेल्स, अगर आप फॉर एग्जांपल इस कीवर्ड की सेल्स देखना चाहते हैं, नाइट स्टैंड की सेल्स है 1,618, राइट। इस कीवर्ड के ऊपर जो है इतनी सेल्स हमें मिल रही है। सो इस तरह से और भी कीवर्ड हैं जिनकी सेल्स हमें यहाँ मिल दिख रही है। सो ये कीवर्ड सेल्स का आपके पास एक कॉलम होता है। अच्छा, उसके बाद ये कॉलम्स हैं, कुछ कॉलम्स हैं जो हम यहाँ से डिलीट करेंगे। सेरिब्रो IQ स्कोर जो है हम डिलीट कर देंगे और सर्च वॉल्यूम का कॉलम हमने रखना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे PPC की बिट्स अगर चेक करना चाहते हैं इस कीवर्ड के अगेंस्ट, सो यू कैन सी हेयर एज वेल एंड कम्पीटिंग प्रोडक्ट्स भी देख सकते हैं, ऑर्गेनिक और बाकी कुछ चीज़ें हैं ऐसी जो देखने वाली हैं और काफ़ी जो है इसमें इररेलेवेंट है, वो हम रिमूव करेंगे। अभी हम रिमूव कर रहे हैं सर्च वॉल्यूम ट्रेंड से लेकर, हम यहाँ पर आ जाएंगे आगे। पहले हम जो है वो यहाँ तक एंड तक कर लेते हैं इसको, राइट। हमने ये कॉलम जो है वो डिलीट कर लिया। उसके बाद हमारे पास ये कुछ कॉलम्स और आ जाते हैं अगेन जो हमने डिलीट करने हैं। अच्छा, हमने पोजीशन रैंक का जो कॉलम है वो रखना है, राइट। तो ये चार कॉलम हम यहाँ से डिलीट करेंगे। उसके बाद जो पोजीशन रैंक वाला कॉलम है हमने क्यों रखना है ये मैं आपको बताता हूँ अभी। तो इसके बाद जो है वो कंपीटिंग प्रोडक्ट्स हैं, वो जो आपके कितने कंपटीशन है अभी हम यहाँ पे रख सकते हैं, ठीक है। हमने क्या करा है, हमने जो है वो बाकी के जो कॉलम थे वो यहाँ से रिमूव कर दिए, राइट। और यहाँ पे हमने सिर्फ रखे हैं कीवर्ड फ्रेजेस, कीवर्ड जो हैं आपके हमने रखे हैं कीवर्ड सेल्स वाला, सर्च वॉल्यूम वाला और पोजीशन रैंक वाला, ठीक है। उसके आगे जो हमने रखे हैं वो हमने अपने एसेंस रखे हैं जो हमने सेलेक्ट किए थे, जिनके हम कीवर्ड एक्चुअल में देखना चाहते थे, राइट। ये लिस्टिंग हमने वही सेलेक्ट करी थी ऑब्वियसली जो हमारे कंपेटिटर्स हैं, जिनकी अच्छी सेल्स आ रही है, अच्छे रिव्यूज़ हैं, और वी वांट टू सी कि ये कौन से कीवर्ड्स पे रैंक हैं और ये कौन से कीवर्ड्स को यूटिलाइज़ कर रहे हैं अपनी PPC में और लिस्टिंग के अंदर। तो आप भी उनको यूटिलाइज़ करते हुए सेल्स अपनी इंक्रीज़ कर सकते हैं PPC में, अगर कीवर्ड्स को रन करते हैं और अपनी लिस्टिंग में भी ऐड कर सकते हैं। सो यहाँ पे यू विल नोटिस वन थिंग हियर, कि यहाँ पर आपको 9 जो है एसिन नज़र आ रहे हैं, जबकि हमने 10 एसिन सेलेक्ट किए थे। तो यहाँ पे यू कैन सी हियर कि हमारे पास 9 एसेंस हैं, ठीक, राइट। तो हमने पोजीशन रैंक का जो एक कॉलम छोड़ा था, ये हमारा फर्स्ट एसेंस है। सो यहाँ पर जो है आपका जो भी फर्स्ट एसेंस हो वो हमने आना है सेरिब्रो में और उसको जो है यहाँ पर इसके नाम के साथ रिमूव कर देना है, ठीक है। सो यहाँ पे फर्स्ट एसेंस आप ऐड कर देंगे, इस सेट कर सकते हैं जैसे आप सेट करना चाहें, राइट। इसका आप जो है साइज इंक्रीज कर सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं, राइट। अभी हम क्या करते हैं, अभी हम सिर्फ जो डेटा हमारा रैंडम है हम इसे ही उठा के जो है यहाँ पे भी पेस्ट कर देते हैं।
सो ये हमारा लेस अज्यूम कि हमारा ये फर्स्ट सेशन हो गया, उसके बाद जो है हमारे पास ये बाकी के सारे ऐसे ना आ गए। आप इसको सेट कर लीजिएगा शीट को, ताकि आपको सही से ज़रा चीज़ों के बारे में आइडिया हो जाए। राइट, अच्छा, उसके बाद हमने क्या करना होता है शीट के अंदर, हमारे पास बहुत सारे जो है वो कीवर्ड्स आ जाते हैं। अब हम इसको रेलिवेंसी के बेस के ऊपर भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हम क्या कर रहे होंगे, हम यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर हम एक कॉलम को इंसर्ट करेंगे जिसका नाम होगा रेलिवेंसी स्कोर। सो हमने क्या किया, हमने रेलिवेंसी स्कोर ये कॉलम ऐड कर दिया। ये क्यों करते हैं मैं भी आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। सो यहाँ पे फार्मूला जो आपकी स्क्रीन पे भी नज़र आ रहा होगा, काउंट इफ उसके बाद क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, आप रेंज सेलेक्ट करेंगे जो आपकी रेंज है। अच्छा, ये हम रेंज सेलेक्ट कर रहे हैं अपने फर्स्ट सेशन से लेके लास्ट सेशन तक के, अपने जो हमारे 10 सेशन्स हैं उसकी रेंज हमने सेलेक्ट कर ली। उसके बाद हम बोल रहे हैं कि हमें वो यहाँ पे रेलेवेंसी, हमें वो कीवर्ड्स बताओ जिनकी रेलेवेंसी इन सारे एसेंस के साथ फर्स्ट पेज के ऊपर है। आई मीन के ये जो हमारा एसेंस है, फॉर एग्जांपल नंबर 1 एसेंस जो है हमारा इस कीवर्ड के अगेंस्ट जो है वो हमारे पहले पेज के ऊपर रैंक है या नहीं है, ये हम इससे बोल रहे हैं। राइट, सो अब हम क्या करते हैं, हम इधर फार्मूले में मेंशन करेंगे कि लेस देन 40, बिकॉज 40 मैं यहाँ पे क्यों ऐड कर रहा हूँ, वाई आई एम इंटरिंग अ 40 हेयर, द रीज़न इज़ दैट कि जो पेज 1 के ऊपर रिजल्ट आ रहे होते हैं 49, ठीक है। तो इस तरह से आप इसके कम भी कर सकते हैं, अगर इफ़ यू वांट टू सी द रिज़ल्ट जो कि कंपेटिटर आपके 30 के अंदर हो, ठीक है, 40 के अंदर हो, तो आप वो ऐड कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो मैं ये चाहता हूँ कि जो एक फर्स्ट पेज के ऊपर हमारे कंपेटिटर इस कीवर्ड के अगेंस्ट रहेंगे, मुझे उसकी रेलिवेंसी बता दो। राइट, तो फिर मैं क्या करता हूँ, फिर मैं यहाँ पे जो फार्मूला आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और स्क्रीन पे भी आ रहा होगा, उसके बाद इंटर प्रेस करूँगा। सो इट शोज़ के भाई ये जो हमारा कीवर्ड है इसके ऊपर 10 के 10 जो कंपेटिटर हैं वो रैंक हुए हैं। इसको मैं नीचे ड्रैग कर लूँगा और ये जो फार्मूला है वो नीचे तक लग जाएगा। अच्छा, उसके बाद ये दिखा रहा है कि भाई ये वाला इस पर भी हमारे ये नाइट स्टैंड इसके ऊपर भी 10 के 10 कंपेटिटर रहेंगे। तो हमें इससे क्या होता है, इससे एक बेटर आइडिया, बेटर पिक्चर नज़र आ जाती है कि भाई अगर ये कीवर्ड हमारे 10 के 10 रेलेवेंट कंपेटिटर जो एक अच्छी सेल्स और अच्छा रेवेन्यू बना रहे हैं वो इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इट मीन्स ये मोर रेलेवेंट है और आपको भी इस कीवर्ड के बारे में देखना चाहिए। एक तो पॉइंट यहाँ पे ये हो गया, और सेकंड पॉइंट आई वुड लाइक टू ऐड देयर कि यहाँ पे जो जिनकी रेलेवेंसी कम हो, सो इसमें भी आपको कहीं ना कहीं चांसेस मिल जाते हैं। फॉर एग्जांपल 5 से 4 से कम रेलेवेंसी वाले जो कीवर्ड हैं, अब हम यहाँ पे देखें जैसे इस कीवर्ड की रेलेवेंसी 3 है, सो हम क्या कर रहे होंगे, हम इस कीवर्ड को उठा के अमेजोन पे सर्च कर रहे होंगे। सर्च करने के बाद देखेंगे अगर ये कीवर्ड हमसे रेलिवेंट है, रेलिवेंस कैसे पता चल रहा होगा कि जो कि आपके रिजल्ट हैं वो मोस्ट रेलिवेंट आपको शो हो रहे होंगे, अमेजोन अपेयर करता है अगर मोस्ट रेलिवेंट, सो आप इसको एज अ समझ सकते हैं कि आपका रेलिवेंट कीवर्ड है। और अगर आपके कंपेटिटर रैंक नहीं है, जैसे कि 3 कंपेटिटर हैं इस कीवर्ड के ऊपर रहे, सो आप भी अपने इस कीवर्ड के ऊपर एफर्ट डाल के रैंक हो सकते हैं और सेल्स उठा सकते हैं। क्यों, क्योंकि अदर कंपेटिटर जो हैं वो इसके ऊपर इतनी एफर्ट नहीं डाल रहे, ठीक है। तो गैप कीवर्ड इस तरह से फाइंड आउट किए जा सकते हैं। सो ये एक तरीका था, ये जैसे चाइनीज़ कीवर्ड हो गए, ठीक है, तो इसे भी आप चेक कर सकते हैं। 3 कंपेटिटर रहेंगे, 31 सेल्स है, मे बी ये गैप कीवर्ड हो, तो आप इसके ऊपर PPC को रन कर सकते हैं, बैकेंड में यूज़ कर सकते हैं, और इस तरह से जो है वो आप अपने कंपेटिटर से कीवर्ड्स को देख सकते हैं। ये सारे वो कीवर्ड्स हैं जो आपके कंपेटिटर अपनी लिस्टिंग के अंदर जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। राइट, और रैंक है उनके ऊपर। तो ये एक क्विक प्रोसेस था जिसके Helium 10 के सेरिब्रो के थ्रू आप जो है अपने कंपेटिटर से कीवर्ड्स को स्टील कर सकते हैं और देख सकते हैं कि वो किन कीवर्ड्स को यूज़ कर रहे हैं। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल बी शेयरिंग के आपके जो कंपेटिटर की लिस्टिंग है उनके जो बैकएंड के कीवर्ड हैं, क्योंकि कोई टूल्स है आई एम नॉट श्योर के वो शो होते हैं। आई विल बी लेटिंग यू नो अ ट्रिक जिसके थ्रू आप जो है वो अपने कंपेटिटर के बैकएंड पे उन्होंने कौन से कीवर्ड इस्तेमाल करे हुए हैं वो आपको मैं बता रहा हूँगा। सो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी तरह के नए नए ट्रिक्स आपको पता चलते रहें। एंड अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप Helium 10 को परचेज़ करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक मिल जाएगा। इट्स गुड कि आपको जो है अप टू 30% तक का ऑफ मिल सकता है इफ़ यू वॉन्ट टू परचेज Helium 10 फ्रॉम माई लिंक। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।